हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीम मुरारी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त गौरव, और आज हमारे सीरीज का, कोडई मुन्नार सीरीज का थर्ड डे है। और थर्ड डे पे आज हम जाएंगे फॉरेस्ट एरिया, वहां पर हम कवर करेंगे अराउंड 5 to 6 डेस्टिनेशन। और आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और अभी गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी आएगी तब हम निकलेंगे। उसके बाद मैं आपको हर डेस्टिनेशन पर लेकर जाऊंगा और वहां पर सब चीज़ें कवर करके दिखाऊंगा। आज यार थोड़ी धूप भी निकली हुई है, आज मौसम भी अच्छा है। कल तो क्या था, पूरी ठंड थी। आपने देखा था ना गाइस, उस टाइम सीन कैसे यार बादल ही बादल हो रखे थे पूरे में। बट आज देखते हैं यार आज कैसा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूँ। और जो भाई नए जुड़े हैं आज हमारी सीरीज पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बहुत जबरदस्त चीजें दिखाने वाले हैं, तो गाइज स्टे ट्यून्ड विद अस। तो दोस्तों, अब हम अपने फर्स्ट स्पॉट ला सेलेटे श्राइन पे पहुंच चुके हैं। और ये जो चर्च है ये अराउंड 150 इयर्स ओल्ड है। और इस चर्च में केवल वर्ल्ड में केवल दो ही चर्च है, एक फ्रांस में है और दूसरा इंडिया में, एक यहाँ पर है। तो अभी मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ, तो आप हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, जो आप मेरे सामने देख ही रहे हैं ये है ला सेरेटाइन चर्च। और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ऐसी कुछ यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ यही आएंगे या कुछ ही लोग आ सकते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको चर्च के ला सेलेते श्राइन चर्च के दर्शन कराए हैं। होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। मैं आपको और भी बहुत भयंकर भयंकर चीजें दिखाऊंगा। तो हाँ, और आ जाओ, ये बच्ची कुछ बोलना चाह रही है, बताओ बच्चा, बोलो आप, बोलो आप, बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो। मोहिनी मूवी में यही है। अच्छा, मोहिनी मूवी में यही चर्च लिया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा चर्च दिखा दिया है और आप ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यही चर्च है जो मोहिनी मूवी में लिया था। तो आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। अभी और बहुत सी जगह जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो दोस्तों, तो अब हम मोर पॉइंट पहुंच चुके हैं। मोर पॉइंट का नाम मोर पॉइंट इसलिए क्योंकि ये एक गवर्नर ने बनवाया था जिसका नाम था मोर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाता हूं चल के और पूरा यहां के बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये देखिए है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ओरियन पॉइंट। और यहाँ पर इतना क्राउड है और इस क्राउड में यहाँ पर बस यही है कि आप यहाँ का माहौल देख सकते हो, माहौल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो अभी मैंने आपको ऊपर का भी कुछ सीन दिखाया कि ऊपर से कैसा दिखता है एयर पॉइंट। तो दोस्तों हमारे साथ आप लोग में बने रहिए, अभी मैं आपको और भी अलग अलग जगह लेके जाऊंगा। ये एक मेयर ने बनवाया था, तो ये उसके नाम पर इस जगह का नाम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। गाइज
स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग टिल एंड। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं साइलेंट वैली, ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है, थर्ड डेस्टिनेशन। पहला चर्च था, सेकंड मारिया है मोर पॉइंट, और थर्ड डेस्टिनेशन हमारा है साइलेंट वैली। अभी हम यहाँ देखेंगे जाके कितना साइलेंस है, क्यों भाभी जी क्या बोलते हो, है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो दोस्तों हम आपको अभी दिखाएंगे साइलेंट वैली में कितना साइलेंस है, कितना बढ़िया है। कुछ नहीं, झाड़ झूड़े और कुछ नहीं है, क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है। क्लाइमेट खूब चांगला, छान आहे, क्लाइमेट खूब छान आहे आहे। तो अभी यहाँ से दिखाएंगे नीचे का व्यू आपको, नीचे कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है सब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। पर अभी ये नॉर्मल ऐसा ही दिख रहा है जैसा नॉर्मल होता है। कारे बाबा, अभी दिखाता हूँ पलटा मार के, देखिए दोस्तों क्या भयंकर है नीचे। दोस्तों अगर आपको यहाँ ऊपर का व्यू देखना है तो आपको यहाँ भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, अभी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, ये देखिए, ये बहुत से लोग आए हुए हैं, भीड़ बहुत है पर यार यहाँ पे। अभी पलटा के दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ बाहर का व्यू दिखाया। नीरू इधर देखो, बोलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बोलो ना, बहुत अच्छा, और कुछ बोलो, और बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे फ्लाइट में बैठे हैं, बिना पैसे। और हमारे नीचे हम ऊपर, और ज्यादा लोड मत डालो नहीं तो सारे नीचे पाएंगे, ज्यादा लोड नहीं हिल रहा है। ये नजारा देखिए, वो मनीषा कोरेला का गाना याद आ गया। गाना जो मैं ऊपर, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। नीचे आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, गाना नहीं डाल पाएंगे बाबू। चलिए दोस्तों अब हम आपको अगले पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, मजा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया, ये व्यू बहुत ही शानदार था, क्या बोलते हो कृष्णा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ अभी हम अपने दूसरे साथियों को भेजेंगे, वो आसके और यहाँ देख लें। अभी हम चलते हैं यहाँ से, तो अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह लेके जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है पर फिर भी व्यू अच्छा था दोस्तों यहाँ से। तो लास्ट तक आप वीडियो में रहिए क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आगे हैं, तो आपको दिखाऊंगा, लेट्स स्टे ट्यून विद अस। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बेरी जंप लेक व्यू पर। तो ये बेरी जंप है, छोटा सा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर, और यहाँ से हम कवर कर रहे हैं बेरी जंप। बांदर आ गया, बांदर, बेरी जंप लेक व्यू का यहां से बहुत ही अच्छा नजारा। हेलो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कैप्स फ्लाई वैली व्यू। इट मींस हम यहां पर कुछ भी फेंकेंगे तो वो वापस रिटर्न होके आएगा, तो इंसान थोड़ी आएगा रिटर्न। हाँ तो तुम्हें फेंकता हूँ ना मैं, चलो नीचे। तो दोस्तों चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से रास्ता इसका, इधर से। ये तो झाड़ ही झाड़ दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो सबसे पहले हम ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि नीचे तो झाड़ ही झाड़ दिख रहे हैं। तो दोस्तों आइए
अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से यहाँ का व्यू। हालांकि व्यू तो सारा एक ही जैसा है हर जगह का। हेलो गाइज 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 गाइज।